आइए अब हम बात करें नवरात्र के आध्यात्मिक महत्व के बारे में। देवी भागवत पुराण जिसमें कहा गया है कि नवरात्र चार होते हैं, दो गुप्त नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र और चौथा चैत्र नवरात्र जिसे बासंती नवरात्र भी कहते हैं। इन चारों नवरात्र का अपना अलग महत्व है। गुप्त नवरात्र तांत्रिक कारणों से तांत्रिक सिद्धियों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, तो इनका जो रहा है कि द्वापर और त्रेता युग में सबसे ज्यादा महत्व रहा है, जबकि जो शारदीय नवरात्र है जो आज देख रहे हैं हम सबसे ज्यादा लोग उसका महत्व बना रखा हुआ है लोगों ने, तो उसका कारण क्या है कि ये भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और कलयुग जो है भौतिकता को बढ़ाने वाला है, इसलिए शारदीय नवरात्र में भौतिकता का ज्यादा महत्व होने के कारण ये ज्यादा पूजनीय हो गया है, जबकि चैत्र नवरात्र सृष्टि के आदि काल से ही सबसे ज्यादा पूजनीय रहा। सतयुग में यही सबसे प्रधान नवरात्र माना गया था। कारण ये आत्मिक बोध के लिए, मोक्ष के लिए इसका महत्व है सबसे ज्यादा। इसी नवरात्र में देवी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए शारदीय नवरात्र और अन्य नवरात्रों से चैत्र नवरात्र का महत्व अधिक रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्र की बात करें तो चैत्र नवरात्र में एक खास चीज यह है कि यह प्रकृति और पुरुष के मिलन का भी समय माना जाता है, और ठीक इसके 3 दिन बाद नारायण का मत्स्य अवतार हुआ है जो पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा इसमें एक चीज और भी है कि गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो भी है सिर्फ मैं ही एक पुरुष हूँ, बाकी सभी जो है जो भी जीव दिखते हैं वो स्त्रैण है। और नवरात्र में क्या होता है कि हम सभी लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को अपनी चाहतों को पूर्ण करने के लिए यांत्रिक इच्छा भौतिक इच्छा जो भी है आध्यात्मिक इच्छा उनके लिए माता की आराधना करते हैं, स्त्रैण भाव होता है क्योंकि हम ग्रहण करना चाहते हैं और प्रकृति यानी दैवी शक्ति हमें देती है, तो इसलिए हम इस टाइम में जो इस समय जो है नवरात्र में माता की पूजा करते हैं, देवी रूप देवी शक्ति की पूजा करते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से जो पूजा करने का जो महत्व रहा है शुरू से इसीलिए रहा है क्योंकि इस समय हम ग्रहण करते हैं, स्त्रैण भाव में होते हैं और प्रकृति जो होती है वो हमें देने के लिए ईश्वर हमें देने के लिए होते हैं, वो पुरुष रूप में होते हैं।